नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लाइफ प्रोटेक्ट में। दोस्तों, पिछले कई वीडियो में मैंने बहुत सारे स्टॉक्स का एनालिसिस किया था। आज मैं उससे कुछ स्टॉक्स का आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ कि क्या हो रहा है उस स्टॉक्स में। तो आज मैं जो रिव्यू करने वाला हूँ उसमें शामिल है HEG, रेन इंडस्ट्रीज, एसोसिएट अल्कोहल, और कुछ मैं आपको इस जो आने वाले वीक है इसके लिए कुछ ट्रेडिंग आइडिया भी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। आई थिंक आप दोस्तों को शेयर तो कहेंगे नहीं क्योंकि शेयर करने में आपको करोड़ रुपया लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही कंपनी के बारे में बहुत ही अच्छी डिटेल बताने जा रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा सपोर्ट है। नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ HEG का रिव्यू। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो HEG का अभी जो रिसेंटली Q2 का रिजल्ट आया था वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और उसके बाद भी इसके शेयर प्राइस में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया। इसका जो शेयर प्राइस है वो 4130 तक आ गया था। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो मेरी समझ से तो इसमें दो कारण है। पहला कारण तो यह है कि जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 1659 करोड़ रुपीज़ का था और EPS 425 रुपीज़ पर शेयर था। उसके बाद भी उसने जो डिविडेंड दिया 30 रुपीज़ का, इससे लोग खुश नहीं है क्योंकि डिविडेंड अमाउंट बहुत ही कम है और काफ़ी लोग इससे नाराज़ भी हैं। और जो मैनेजमेंट का जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था उसमें कई शेयर होल्डर ने इसमें नाराज़गी भी जाहिर की थी कि आप इतना कम डिविडेंड क्यों दे रहे हो। तो और जो दूसरी बात यह है कि जो कंपनी का आपने जो देखा है कि पिछले कई रिजल्ट में, कई क्वार्टर्स का जो रिजल्ट है इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है, तो लोगों का अब ये डर लग रहा है कि ये जो प्रॉफिट है ये आगे कंटिन्यू रहेगा क्या, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है, इसका जो रॉ मटेरियल है निडिल को, उसका प्राइस अभी बढ़ रहा है। तो जब इसका प्राइस बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है, तो आगे ये इसका जो प्रॉफिट वो कंटिन्यू रहेगा या कम हो जाएगा? तो ये भी थोड़ा सा डर है, सेंटिमेंट है। तो लेकिन हालांकि जो इसके जो मैनेजमेंट हैं वो अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, और इसलिए उन्होंने लास्ट 19 नवंबर को उन्होंने एक बाई बैक का अनाउंसमेंट किया है, और इससे काफ़ी बूस्ट मिला, इसके शेयर प्राइस में काफ़ी बूस्ट मिला है। और इसका जो शेयर प्राइस है फिर बढ़ कर 4450 तक भी आया था, इसके ऊपर भी ट्रेड हो रहा था। तो अब समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है वो 30 रुपये, जो इतना छोटा डिविडेंड का अनाउंसमेंट क्यों किया है, क्योंकि अगर ये डिविडेंड ज़्यादा देती है तो इसके ऊपर डिविडेंड के ऊपर डिविडेंड टैक्स देना होगा कंपनी को। तो उन्होंने क्या कि जो बाई बैक का अनाउंसमेंट किया है उससे उसने दो फायदा हो गया। एक तो ये कि जो डिविडेंड टैक्स है वो उन्होंने बचा लिया, और दूसरा ये कि इस बाई बैक से जो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है वो इंक्रीज हो जाएगा, अपने कंपनी उनका शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो जाएगा, तो ये कंपनी को फ़ायदा है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या ये जो बाई बैक आ रहा है क्या इसमें प्रमोटर्स भी शामिल हो रहे हैं? अगर इसमें प्रमोटर्स भी इस बाई बैक में हिस्सा ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अभी इसका जो शेयर प्राइस है वो अपने पिक पे है और इसलिए वो अपने शेयर को बेच रहे हैं। तो इसका मतलब इसके आगे शेयर, इसका जो शेयर प्राइस है वो नीचे भी आ सकता है। अब नेक्स्ट वीक आपको किन बातों पर ध्यान देना है? सबसे पहले तो ये देखना है कि कंपनी का जो बोर्ड मीटिंग है मंडे 26 नवंबर को, उसमें क्या डिसीजन होता है, बाई बैक का प्राइस क्या होता है। लास्ट क्वार्टर के अनुसार कंपनी के पास लगभग 1000 करोड़ से भी ज़्यादा कैश है, लेकिन वो कैश, सारा कैश वो बाई बैक के लिए तो यूज़ करेगी नहीं, कुछ कैश तो वो अपने कंपनी के एक्सपेंशन के लिए भी चाहिए। तो मतलब कि सारा कैश तो बाई बैक के लिए यूज़ नहीं होगा। और अच्छा ये होगा कि अभी जो बाई बैक का मोमेंटम है, इस मोमेंटम में अगर इसका प्राइस, शेयर प्राइस अगर 4400-4500 के रेंज में जाता है तो मैं तो अपने होल्डिंग का 75% अभी बेच के निकल जाऊंगा, अभी प्रॉफिट बुक कर लूँगा, क्योंकि मुझे, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो बाई बैक के बाद इसका शेयर प्राइस फिर से नीचे आएगा, और मैं समझता हूँ कि 4000 या उससे नीचे भी जा सकता है, तो फिर से बाई कर लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि इसमें ये भी देखना है कि इस डिसीजन जो आएगा उसमें उस बाई बैक में प्रोमोटर्स हिस्सा लेगी कि नहीं लेगी। अगर हिस्सा लेती है तो उस समय भी एक अच्छा है कि उससे बाहर निकल जाए। इन सब के अलावा हमें बैंक ऑफ अमेरिका का रिपोर्ट भी देखना होगा जो शायद इसी मंथ एंड या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आने वाला है। देखना होगा कि उनका HEG और ग्रेफाइट इंडिया का टारगेट प्राइस क्या देते हैं। मोस्टली बाई रेटिंग के साथ अच्छा टारगेट प्राइस ही देंगे,
और तब भी एक अच्छा चांस मिलेगा आपको एग्जिट करने का, आपको प्रॉफिट बुक करने का। हालांकि ग्लोबली ग्रेफाइट कंपनियों के शेयर प्राइस अभी थोड़ा प्रेशर में है, क्योंकि अभी ये डर है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक के स्लो ग्रोथ के साथ कहीं स्टील प्रोडक्शन भी कम ना हो जाए। अगले 7 डेज में एक और बड़ा इवेंट होने वाला है जिसे क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। 1 दिसंबर को चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग की मीटिंग है US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उनके साथ एक डिनर मीटिंग है। तो हमें ये देखना होगा कि उस मीटिंग में, उस डिनर मीटिंग में जो 1 दिसंबर को होने वाला है, उसमें क्या निकल के आता है। हमें देखना है कि इससे टैरिफ, अभी जो टैरिफ वार चल रहा है, वो टैरिफ वार कुछ कम होता है या नहीं, या फिर कोई अग्रीमेंट साइन होता है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो स्टॉक मार्केट के लिए एक बहुत ही बड़ा बूस्ट होगा, और सबसे ज़्यादा फायदा जो होगा वो मेटल कंपनियों को होगा। और इससे जो है एचजी या ग्रेफाइट इंडिया का सेंटिमेंट भी अच्छा रहेगा, और इसके भी शेयर प्राइस को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। तो ये था एचजी का रिव्यू। अब मैं आपको रिव्यू करता हूँ ग्रेफाइट इंडिया का, ग्रेफाइट इंडिया में क्या हो रहा है। ग्रेफाइट इंडिया का शेयर भी अभी प्रेशर में है। 30 रुपीज़ जो एक्स डिविडेंड देने के बाद इसमें प्रेशर आया है, इसके शेयर प्राइस थोड़ा नीचे आ गया है। लेकिन जनरली ग्रेफाइट इंडिया अच्छा डिविडेंड देता रहा है, लेकिन अब लोगों को डाउट हो रहा है कि फ्यूचर ग्रोथ को लेकर, क्योंकि पिछले 4 क्वार्टर में बम्पर रिजल्ट दे रहा है। और अभी मैंने जो एचईजी के बारे में आपको बताया वो इसके साथ भी लागू होता है। तो आपको यहाँ भी देखना है कि जो 1 दिसंबर को ट्रंप और जी जिनपिंग का जो मीटिंग होने वाला है, उसमें क्या निकल के आता है, और बैंक ऑफ अमेरिका का जो रिसर्च रिपोर्ट आएगा 10 डेज में, उसमें क्या आता है, इनका क्या रेटिंग आता है, क्या टारगेट प्राइस आता है। टिल दैट टाइम आई डोंट थिंक एनी मेजर अपसाइड इज एक्सपेक्टेड। अगर किसी कारण से अगर मार्केट में फॉल डाउन आता है तो इसका प्राइस, ग्रेफाइट इंडिया का प्राइस हो सकता है कि 900-928 के रेंज में आ जाता है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा गुड एंट्री पॉइंट होगा, और इसमें आप वहाँ से खरीद के आप एटलीस्ट 10% तक का रिटर्न आप शॉर्ट टर्म में भी कमा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि रेन इंडस्ट्रीज़ में क्या हो रहा है। तो रेन इंडस्ट्रीज़ का जो शेयर प्राइस है, उसमें पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सेलिंग प्रेशर रहा है, और ऊपर से इसका जो रिजल्ट आया वो भी काफ़ी निराश किया। अभी जो इसका शेयर प्राइस है वो 52 वीक लो बनाते हुए 142 तक आ गया था। और हालांकि इसका जो रिजल्ट ख़राब होगा ये एक्सपेक्टेशन तो पहले से था, और मैनेजमेंट पहले भी बयान कर चुकी थी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके जो रॉ मटेरियल है जीपीसी, इसकी इम्पोर्ट पर बैन लगा चुकी थी। तो ये एक्सपेक्टेशन तो पहले से था। हालांकि जो रिजल्ट के बाद कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ, उसमें मैनेजमेंट ने ये कहा, हाईलाइट किया कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि इसकी जो ओवरऑल प्रोडक्शन वॉल्यूम है उस पर इम्पेक्ट कर रही है, जिसको इसका जो ओवरऑल प्रोडक्शन वॉल्यूम है सीपीसी का, सीटीपी का, और जो अदर केमिकल डाइवर्सन का, इस पर काफ़ी इम्पेक्ट कर रही है। तो फिर भी मैनेजमेंट अभी भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि जो इसका नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट होगा वो पिछले क्वार्टर से अच्छा रहेगा। लेकिन जो वॉल्यूम है वो अभी भी सीपीसी या सीटीपी का जो वॉल्यूम है वो अभी भी नीचे ही रहेगा, अभी भी कम ही रहेगा। अभी जो रेन इंडस्ट्रीज़ के लिए जो सबसे बड़ा हेडेक है वो है सुप्रीम कोर्ट का मॉडिफाइड ऑर्डर, जो कि कंपनी पर काफ़ी इम्पैक्ट डाल रही है। आपको मैं याद दिला दूँ कि रेन इंडस्ट्रीज़ का एक सीपीसी ब्लेंडिंग स्ट्रेटजी भी है। इसमें होता है कि कंपनी अपनी यूएसए प्लांट में बना लो ग्रेड सीपीसी को इंडिया इंपोर्ट करती है, और उसमें इंडियन प्लांट में जो बना हुआ जो हाई ग्रेड सीपीसी है उसके साथ मिक्स कर देती है। इससे क्या होता है कि यूएसए का जो प्लांट का जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है, और जो ब्लेंडेड सीपीसी को इंडिया से एक्सपोर्ट करती है, उससे क्या होता है इसका मार्जिन भी इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन जो लास्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसने सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एल्युमिनियम कंपनीज को सीपीसी इंपोर्ट करने को अलाउ किया था, और कंपनी लाइक रेन, गोवा कार्बन, दे अलाउड टू इम्पोर्ट ओनली जीपीसी। मतलब ये कि रेन इंडस्ट्री अपने ही यूएसए प्लांट से सीपीसी को इम्पोर्ट नहीं कर सकती है। मैनेजमेंट ने ऐसा अभी इन्फॉर्म किया है कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इस पर बात कर रही है कि जो इसका जो यूएसए का प्लांट से जो इम्पोर्ट कर रही है, और फिर उसे मिक्स करके ब्लेंडेड जो सीपीसी एक्सपोर्ट कर रही है, इससे कोई एडिशनल पॉल्यूशन तो हो नहीं रहा है, तो फिर इस पर जो इम्पोर्ट बैन है उसे इसको एग्जम्पशन दिया जाए। 27 नवंबर 2018 को गवर्नमेंट पेट को इम्पोर्ट और उसका जो यूजेज है उस पर एक नया गाइडलाइंस ला रही है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट रेन को सीपीसी इंपोर्ट करने का अलाउ कर देती है तो एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा, और हो सकता है कि इसका शेयर प्राइस बहुत ही जल्दी 185-195 तक जा सकती है। लेकिन अगर ऐसा इम्पोर्ट रिलीफ नहीं मिला तो इसका शेयर प्राइस अगले 2-3 महीने तक डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, और हो सकता है इसका शेयर प्राइस 125-130 के लेवल पे भी आ सकती है। सो अभी एक बड़ा ट्रिगर यही है,
अदरवाइज इसका जो बड़ा बूस्ट आने वाला है वो आएगा जनवरी मार्च का जो क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा, मई 2019 में जो जनवरी टू मार्च क्वार्टर रिजल्ट आएगा, हम वहाँ पर एक अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि CTP का कैपेसिटी इंक्रीज होने वाला है और उस समय तक तो हो सकता है कि कंपनी जो अपना डेप्थ है वो उसको कम कर ले, $45 मिलियन तक कम कर ले। तो जैसा कि GPC का प्राइस अभी कम हो रहा है और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो रहा है, तो कंपनी के पास कैश इन हैंड ज़्यादा होगा और कैश इन हैंड ज़्यादा होगा तो उसे और अच्छे से यूटिलाइज कर सकती है। तो ये था मेरा रिव्यू रेन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। अब जो मेरा नेक्स्ट रिव्यू है वो है एसोसिएट अल्कोहल के ऊपर। मैंने अपने कुछ वीडियो में एनालाइज किया था कि एसोसिएट अल्कोहल एक बहुत अच्छा बाई बनता है उसमें, तो अब मैं बता रहा हूँ उसमें अब क्या हो रहा है। बहुत समय से इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ही कम रहा है और कंपनी के एक्सपेंशन के वजह से जो इसका जो 2 प्लांट बंद था उसके बाद भी इसका लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसका जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका आगे जो सेल्स है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। सेल्स बहुत अच्छा होगा इसका, 2 रीज़न है। एक तो अभी MP में इलेक्शन है, दिसंबर में इलेक्शन है, और दूसरा ये है कि इसका अभी कैपेसिटी भी इंक्रीज हुआ है इसका। मैं फ्रेश बाय तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने होल्डिंग को अगले 1 साल के लिए और कंटिन्यू करूँगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ एक ट्रेडिंग आइडिया इस वीक के लिए, जो कि जिसका चर्चा मैंने पहले किया था। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि IDFC बैंक और कैपिटल फर्स्ट का मर्जर होने वाला है। इसका मर्जर अनाउंसमेंट हुआ था कुछ जनवरी 2018 में, और अब तक जो इसका इसे जितने अप्रूवल चाहिए था वो लगभग सारे अप्रूवल आ चुके हैं। RBI से, SEBI से जो अप्रूवल आने वाला था अप्रूवल मिल चुका है। बस अभी फाइनल अप्रूवल जो पेंडिंग है वो है NCLT में, और 5 दिसंबर को इसका एक मीटिंग होने वाला है, डिस्कशन होने वाला है, और 99% चांस है कि उसी दिन ये अप्रूवल भी आ जाएगी। सभी एनालिस्ट हैं जो इस पर काफ़ी बुलिश हैं कि कैपिटल फर्स्ट के जो MD हैं विद्यानाथन, वही इस मर्ज्ड बैंक को हेड करेंगे। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मर्ज बैंक का जो मेन फोकस होगा वो रिटेल लेंडिंग में ज़्यादा होगा, और स्टार्टिंग में अगले 2-3 क्वार्टर में इसका शायद उतना इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा इस मर्ज बैंक का, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही अच्छा कंपटेटिव प्राइवेट बैंक वो बन जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए 2-3-4 साल के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टॉक होगा, लेकिन अभी आने वाला जो वीक है उसके लिए एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी है। कैश मार्केट हो या फ्यूचर ऑप्शन, दोनों में इसके ऊपर एक अच्छा ट्रेडिंग ऑप्शन बनता है। एक्चुअली इस अनाउंसमेंट के बाद शॉर्ट कवरिंग भी काफ़ी हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी कम हो रहा है, तो मैं दोनों स्टॉक में अभी बाई कर रहा हूँ, और 5 दिसंबर से पहले मेरा ऐसा मानना है कि 10 से 15% अपसाइड देखने को मिलेगा इसमें। तो 10 से 15% के लिए अभी एक शॉर्ट टर्म में बहुत ही अच्छा बाई अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूँ और मैं बाई भी कर रहा हूँ। मेरा जो अगला स्टॉक है इस वीक के लिए जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है वो है HPCL, क्योंकि अभी जो मैं अभी HPCL का शेयर अभी डिक्लाइन पे बाई कर रहा हूँ, क्योंकि जो ऑयल प्राइस है अभी वो कम हो रहा है और इसका जो अभी का करंट वैल्यूएशन है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मुझे इस लेवल पर बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। December 1st वीक में अगर OPEC अपना ऑयल प्रोडक्शन कम करती है, कम करने का डिसीजन लेती है, तो हो सकता है कि क्रूड ऑयल का प्राइस कुछ दिनों के लिए बढ़ जाए, लेकिन वो वापस उसका फिर प्राइस गिरेगा। इसलिए मुझे लगता है कि एवरी डिक्लाइन पे इसे बाई करना चाहिए और एवरी राइज पे इसे सेल करना चाहिए। तो एक मुझे अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है और मैं इसमें बाई भी कर रहा हूँ अभी। तो दोस्तों, ये जो आज मैंने अपना रिव्यू किया, जो डिस्कशन किया है इस शेयर पे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। अगर आपको इसमें कोई डिसीजन लेना हो तो प्लीज़ आप अपने किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लें, और अपना जो पोर्टफोलियो है उसको अभी डाइवर्सिफाइड रखें, रेगुलरली उस पर प्रॉफिट बुक करते रहें, क्योंकि अभी जो मार्केट है वो बाई एंड होल्ड का नहीं है, क्योंकि अभी इलेक्शंस है, इलेक्शन आने वाले हैं, आगे भी इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उसे देखते हुए मुझे लगता है कि अभी मार्केट जो है वोलेटाइल ही रहेगा। तो आपको जो भी डिसीजन लेना हो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह के लेने के बाद ही करें। दोस्तों, आई होप कि आज मैंने जो एनालिसिस किया, जो मैंने रिव्यू किया है, जो मैंने डिटेल्स बताया HEG के बारे में, रेन इंडस्ट्रीज़ के बारे में, ये मुझे लगता है कि आपको इससे काफ़ी बेनिफिट होगा, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली को भी इसे शेयर कीजिए, उन्हें भी बेनिफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा। हालांकि मैं जानता हूँ कि आप लोग शेयर तो करेंगे नहीं, क्योंकि शेयर करने में शायद आपका करोड़ों रुपया का लॉस होगा। डोंट वरी, आपको शेयर करने में, चैनल सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री है,
आपको कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे वीडियो आगे भी लाता रहूँगा। तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप इस तरह का वीकली रिव्यू वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए, और कौन कौन सा शेयर है, कौन कौन सा स्टॉक्स है जिसके ऊपर भी आप रिव्यू चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट में लिख के बताइए। और प्लीज़ प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं ऐसे वीडियो आगे भी लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।